इसी के साथ प्यारे मित्र और प्यारे साथी हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज का पार्ट नंबर तीसरा। अभी तक हमारा दो पार्ट तक कंप्लीट था साधारण ब्याज, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर तीसरा। ठीक है, बिल्कुल आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और एक एक प्रश्नों को आप आराम से देखते चलें। ठीक है, मेहनत से उसको ध्यान से समझते जाएं और मेहनत से पढ़ते चलें। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 से हमें स्टार्ट करना था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप भी तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान के समान है तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लगाइए, बिल्कुल आराम से लगाते चलें। प्रश्न लगाएं, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान है तो वार्षिक दर क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथ में भैया आपका ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 3/1/3%, बी दिया 6%, सी दिया 5% और डी इसमें नन आप दिस दे रहा है, इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा बोलिए। तो चलिए बताते रहिए, हम इसको बताते हैं कि कैसे लगेगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, अर्थात जो ब्याज है साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या है, मूलधन का 1/9 है। तो मूलधन को यहां पर लेके आएंगे तो ब्याज बटा भैया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन और बराबर 1/9। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल अर्थात मूलधन हमारा 9 निकला और ब्याज यहां से कितना निकला 1। ठीक है, मूलधन भैया हमारा 1 निकला और ब्याज मूलधन 9 हो गया और ब्याज क्या निकला 1 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जो प्रतिशत दर है, ठीक है ना, जो प्रतिशत दर है वही किसके बराबर कह रहा है, वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान है तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो भैया आपका दर दिया है, ब्याज दर दिया है, जितना जितना आप मान के चलोगे उतना आपका समय भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरी बात समझिएगा, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला यूज कर देना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 9 और दर आर माने और टाइम भी आपको कह रहा है, जो यहां पर वर्षों में समय दिया गया है उधर के संख्यात्मक मान के बराबर है तो टाइम भैया आप कितना लिख लेना, आर लिख लेना। ठीक है, और बटा यहां पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इस प्रश्न को आप हल कर दो, यहां पर 100 एक के कितना हो गया, 100 हो गया और बटा यहां पर 9 नीचे आएगा तो यहां पर भैया आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, पूरी बातें समझ में आ रही है क्या, पूरी बातें समझ में आ रही है। इधर वर्ग हटाओगे इस साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल, और मेरी बात समझना, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहां पर दर आपका 10/3 आ गया। जब 10 में आप 3 से डिवाइड करोगे, जब 10 में 3 से डिवाइड करें, 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, 1 बचा, तो 3/1/3% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भैया आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट बिल्कुल सही जवाब है, इसमें ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 14वें प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14वां देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वें पे चलते हैं। आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे प्रश्न कह रहा, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14वें पे हम चलते हैं। ठीक है, 13वां कंप्लीट, 14वें पे आइए। चलिए 14वां प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखें 14वां प्रश्न क्या, इसको लगाइए और इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपका ए बी सी डी दिया गया है, ऑप्शन आपका ए बी सी डी दिया गया है, इस प्रश्न को आप लगा के देखें, बहुत आसान प्रश्न है, बस प्रश्न की भावनाओं को आप समझते रहें कि क्या कहने का मतलब इस प्रश्न का है। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल आराम से पढ़ें और उसको पूरा समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहां पर ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी, 7 वर्ष 9 माह, बी दे रहा है 9 वर्ष 6 माह, सी दे रहा है 3 वर्ष 8 माह, इसके बाद डी वाला भैया ऑप्शन जो आपका इसमें नन आप दिस दे रहा है, तो बोलिए क्या होगा आंसर। प्रश्न पढ़िए,
कोई धन 15 वर्षों में 6 माह में 3 गुना हो जाता है, कोई धन 15 वर्षों में 6 माह में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा, आपको टाइम बताना है। बिल्कुल, बहुत गजब प्रश्न है और आसान प्रश्न है, ठीक है, लगाते जाएं। आंसर बोलिए इसका क्या होगा, बिल्कुल लगाते चलें। देखिए भैया कह रहा है कोई धन 15 वर्ष और 6 माह में 3 गुना हो जाता है। टाइम आपका यहां पर पहला दिया है, पहला जो टाइम दिया है यहां पर 15 वर्ष और प्लस 6 माह दिया है, 6 माह। ये देखिए वर्ष में दिया है, ए महीने में दिया है, 6 माह मतलब क्या होता है, 1/2 वर्ष मतलब आधा वर्ष होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 1/2 लिख लोगे तो वर्ष में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर 15 × 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31/2, ठीक है, 31/2 वर्ष आपका टोटल निकल के आएगा, ठीक है। अब कोई धन 15 वर्ष और 6 माह में, अर्थात इतने वर्षों की बात कर रहा है, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा। देखिए 3 गुना हो जाता है मतलब इतने वर्षों में कोई धनराशि 3 गुना हो जाता है, तो हम धनराशि भैया क्या मानते हैं, पी मानते हैं, मूलधन क्या मान लें, पी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन, और यही धनराशि जो है वो कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, अर्थात 3p हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात समझना, ये जो 3p निकल के आता है, जैसे हम कोई धनराशि हमने किसी को दिया, 3 वर्षों में 4 वर्षों में हमारा इतना गुना हो गया, तो क्या चीज होता है, मिश्रधन होता है। पूरी बातें समझना क्या होता है, मिश्रधन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कहूं कि ब्याज क्या आएगा, तो कहना मिश्रधन में से मूलधन को घटाना क्या निकल जाएगा आपका, ब्याज, तो ब्याज यहां पर कितना हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे, 3p में से p घटाओगे, तो भैया 2p आपका जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बिल्कुल ब्याज निकल के आएगा। तो यहां से मेरी बातें समझना, मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, ठीक है, और यहां पर टाइम दिया, तो यहां से आप दर निकाल सकते हो, सिंपल फार्मूले का यूज करना है यहां पर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर नहीं मालूम है, दर निकाल लो, टाइम आपका इसमें कितना दे रहा है, 31/2। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आसान है, प्रश्नों को ध्यान से समझते जाइए, ठीक है, पी से पी काट देना, और यहां पर कितना हो जाएगा, और बटा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना, और यहां पर कितना हो जाएगा, 200, 200 दूना कितना हो जाएगा, 400, 400 यहां पर आ गया, ठीक है, और 31 यहां पर गुणा कर रहा है, नीचे आएगा 31 यहां पर हो जाएगा, दर आपका निकल के आएगा कितना, 400/31% निकल के आएगा। अब बातों को आगे समझना, इसमें क्या कह रहा था, कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा, कितने समय में, ठीक है ना, कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा। अब की आपसे टाइम पूछ रहा है T2, ठीक है ना, दूसरा समय पूछ रहा है कितने समय में यह कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा आपसे कह रहा है। तो धनराशि पी मानना, 2 गुना कब होगा, 2p जब लिखोगे तभी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं भैया यहां से ब्याज की बात, ए मूलधन आ जाएगा आपका, ए मिश्रधन हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ए आपका क्या हो जाएगा, ब्याज, ठीक है ना, 2p में से पी घटाएं तो ब्याज कितना आ गया, पी आ गया। मेरी बात समझना, आपको दर यहां से मालूम है और टाइम निकालना है, मूलधन मालूम है, ब्याज निकालना है, तो वही सिंपल वाला फार्मूला यूज कर देना कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो साधारण ब्याज क्या है आपका, पी है, और मूलधन क्या है, पी है, और रेट यहां पर दर आपका कितना हो जाएगा, 400/31, ठीक है ना, 400/31 हो जाएगा, और टाइम आपको निकालना है तो T2 लिख देना, और Y क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। यहां से भैया 00 से हम 00 काटें, ठीक है, P से P कट गया, अब 31 बटा कितना हो जाएगा, 4, 31 बटा कितना हो गया, 4 हो गया, और बराबर T2, ठीक है। 31 में जब 4 से डिवाइड करोगे आप, 31 में जब भैया 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30, 31 हो जाएगा, तो 7 × 3/4, 7 × 3/4 वर्ष आपका निकल के आएगा, कितना हो जाएगा आपका इसमें, 7 × 3/4, तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा, मेरी बात समझना, 7 × 3/4 आपका निकल के आया वर्ष, लेकिन आंसर आपका सही में नहीं दिया, इतना सही, इतना बटा इतना नहीं दिया, माह में दिया है,
तो यहां पर देखिए ये वर्ष में है, ठीक है ना, ये भी वर्ष में, इसको माह में चेंज करने के लिए 12 से गुणा कर देना, 4 1 4 चाहती है 12, तो यहां पर 7 माह और कितना, सॉरी 7 वर्ष और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 माह आपका करेक्ट जवाब होगा। तो इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष और 9 माह करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14वां था, ठीक है ना, तो बहुत आसान प्रश्न था, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देते रहें। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15वें पे चलते हैं और 15वां प्रश्न आपके लिए लगाते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, ठीक है, 15वां प्रश्न, 15वें प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से पढ़ें प्रश्नों को, ठीक है, 15वां प्रश्न लगाइए भैया, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, लगाते चलें और बिल्कुल आंसर बताते चलें, प्रश्न की भावनाओं को सबसे पहले समझो, एक क्या कहना चाहता है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ो। देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपया तथा 5 वर्षों में 750 हो जाता है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बहुत गजब प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाइएगा, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 600 होगा कि 500 होगा कि 400 होगा कि नन, आप दीजिए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बोलते जाइए। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपया हो जा रहा है तथा 5 वर्षों में 750 रुपया हो जा रहा है, तो इसका मूलधन आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा, लगाइए प्रश्न को। बोलते जाइए कितना होगा आंसर। तो आइए चलिए देखते हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहें, और जितने भी मित्र साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। तो आइए चलते हैं 15वें प्रश्न पे, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 हो जा रहा है, कोई धन है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 690 रुपया हो जा रहा है, 690 रुपया हो जा रहा है, और इसमें कह रहा है कि 5 वर्षों में, ठीक है भैया 5 वर्षों में कह रहा है कितना हो जाता है 750 रुपया हो जाता है, 3 वर्षों में 690 और 5 वर्षों में 750 हो जाता है, तो इसमें मूलधन आपको बताना था, बहुत बढ़िया प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरी बात समझिए, जैसे मेरे पास कुछ धनराशि है, कोई हमसे मांगने आया कि हमें इतना रुपया दे दीजिए, हमने दे दिया 3-4 सालों के लिए, चाहे जितने सालों के लिए दे दिया, अब मान लो 3 सालों के लिए दे दिया, तो 3 सालों में इतना हो जाता है धनराशि, ठीक है ना, या 4 सालों में इतना हो जाता है, 5 सालों में इतना हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। कोई धनराशि देखिए 3 वर्षों में 690 रुपया हो गया, 690 क्यों हो गया, क्योंकि मूलधन था, ठीक है, और प्लस इसमें क्या बढ़ा होगा ब्याज, तभी तो 690 हो रहा है, तो 3 वर्षों में 690 ये आपका अमाउंट हो जाएगा, अर्थात मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोई धनराशि 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 750 रुपए, ये भी क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, प्रश्न की भावनाओं को भैया आप समझते जाए, क्या कहने का मतलब इसका, ठीक है ना, मेरी बात फिर से समझना, जैसे कोई धनराशि है 8 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 9 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 10 वर्षों में इतना हो जा रहा है, अरे जो हो जा रहा है भैया वो हमारा अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा, ठीक है ना। तो आइए मेरी बात समझिए, यहां पर देखिए आपसे मूलधन प्रश्न में पूछा था कि इसमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, मेरी बात समझना, जब 5 में से 3 घटाओगे 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से अब देखो मेरी बात समझना, मिश्र धनों का अंतर क्या होता है, मिश्र धनों का अंतर ब्याज होता है, मेरी बात समझ लेना कि मिश्र धनों का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है, मिश्र धनों का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है। तो भैया यहां से पूरी बातें आप समझे, यहां पर 0 हो गया और यहां पर 15 में से 9 गया, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है 60 हो गया। मेरी बात समझना, जो मिश्र धन होता है भैया, मिश्र धनों का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का ब्याज 60 हो जाएगा, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 60/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 30 ब्याज हो जाएगा, 30 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है मेरी बात समझना। चाहे आप 3 वर्ष के निकाल लो, 3 वर्ष के लिए निकाल लो, चाहे 5 वर्ष के लिए निकाल लो, तो भैया मेरी बात समझना, मैं 3 वर्ष के लिए निकालता हूं, 1 वर्ष के लिए ब्याज 30 रुपया है,
और 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 3 3 का 9, यहाँ पर 90, ठीक है ना। मेरी बात समझना, आपको समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, समझते जाइएगा, ठीक है। 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 90। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे मूलधन पूछा था, मेरी बात समझना। ये जो ब्याज आया है कितने वर्षों का आया है, 3 वर्षों का, और 3 वर्षों का मिश्रधन कितना दिया था यहाँ पर, 690 दिया था। तो आपको क्या निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना है, मूलधन। तो मेरी बात समझना, जितने वर्ष का ब्याज रहेगा उतने वर्ष का आप मिश्रधन लेना, फिर उसमें से मिश्रधन में से ब्याज घटा दोगे, आपका क्या निकल के आएगा, मूलधन। तो 690 मिश्रधन कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का, और 3 वर्ष का ब्याज कितना था, 90। जब मिश्रधन में से हम क्या घटाएंगे, ब्याज घटाएंगे, मिश्रधन में से ब्याज को घटाएंगे तो हमारा मूलधन निकल के आएगा 600 रुपया, आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है। तो 600 आपका भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई, इसमें कुछ विशेष नहीं था, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 16वें पे चलते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं, आइए 16वें वाले प्रश्न पे चलते हैं, 16वां प्रश्न, चलिए 16वें प्रश्न को लगाइए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। 16वें प्रश्न पर तुरंत अटैक करेंगे और इसका आंसर बताएंगे भैया, ठीक है ना। मेरी बात समझना, जो भी प्रश्न आप पढ़ो, ठीक है, उसको एकदम आराम से पढ़ो और उसकी भावनाओं को आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16वां, अरे बहुत आसान है भैया, इसको लगा देना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका 6% दिया है, 8% दिया है, 7% दिया है, नन आप दीजिए, इसमें से क्या होगा राइट आंसर, बोलते जाइए, बताते जाएं इसमें कौन सा आंसर होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ए आपका कौन सा, 16वां था ना, 16वां, हाँ ठीक है 16वां, आप बताइए 16वां में वो चीज़ नहीं है, 16वां में ऑप्शन आपका दिया 24,600 और 25,560 और सी वाला दिया 26,429 और नन आप दीज, ठीक है ना। 16वां प्रश्न आपको लगाना था, 16वां प्रश्न बोलिए, देखिए कह रहा है बढ़िया प्रश्न है, इसको देखिएगा। साधारण ब्याज की दर 8% से घटकर 7 सही 3/4% हो जाता है। बातों को बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर 8% से घटकर 7 सही 3/4% हो जाने से एक महाजन की वार्षिक आय 61.5 रुपया कम हो गई। तो महाजन ने कितना रुपया ब्याज पर उधार दिया था, ठीक है ना, कितना रुपया उधार दिया था ब्याज पे, अर्थात आपको भैया इसमें मूलधन बताना है कि इसमें मूलधन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए पहले देखिए, कोई मूलधन था उस पर ब्याज मिल रहा था 8% का, अब 8% का कुछ मिल रहा था तो ब्याज कुछ ना कुछ आएगा। अब मेरी बात समझना, वो घट गया है 7 सही 3/4% हो जाता है। तो यहाँ पर समझना कि ब्याज जो रुपये में आएगा क्या वो भी घटेगा, हाँ बिल्कुल घटेगा, मेरी बात समझना। तो यहां पर मूलधन हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, मूलधन पी माना हमने, हमने क्या माना, मूलधन क्या माना, पी माना। पहले 8% था, ठीक है ना, इसको वार्षिक लेना भैया, कुछ नहीं कह रहा तो इसको वार्षिक लेंगे, मेरी बात समझना, ठीक है ना। मूलधन पी मान लो और दर यहां पर 8% था 1 वर्ष का मानना, ठीक है ना, वार्षिक मानना है आपको, और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहले इतना ब्याज आ रहा था, इसको हल करोगे कुछ ना कुछ आएगा, पहले इतना ब्याज आ रहा था। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। एक कब का ब्याज है, जब ब्याज दर कितना था, 8% था, जब ब्याज दर भैया 8% था। अब क्या हो जा रहा है, घट के कितना हो जा रहा है, 7 सही 3/4 अर्थात 7 चौक 28 29 30 31/4%। समझ में आई बात, जैसे यहाँ पर दिया है 7 सही 3/4 तो 7 चौक 28 2 30 31/4 हो जा रहा है। ब्याज दर अब घट के कितना हो जा रहा है यहाँ पर, तो मूलधन पी मान लेना और ब्याज दर घटकर कितना हो जा रहा है, 31/4, ठीक है ना, 31/4, और समय आपको एक लेना और बटा क्या कर देना है, 100। यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले की तुलना में डिफरेंस इसका कितना आ जा रहा है, 61.5, ठीक है ना।
तो मेरी बात समझना, देखो पहले धन, पहले 8% ब्याज था, जब मूलधन पी था उस पर 8% का ब्याज एक वर्ष के लिए लगता था तो हमने ब्याज ये निकाला। अब ब्याज दर क्या हो जा रहा है, घट के कितना हो जा रहा है, देखो 8 था, 8 से घट जा रहा है ना, तो कितना हो जा रहा है, 7 × 28 31 हो जा रहा है। कहने का मतलब डिफरेंस इसमें ब्याजों का जो अंतर है तो इतना आएगा, मेरी बात समझना। फिर 8p हो गया और बटा कितना हो गया, 100 हो गया। फिर माइनस यहां पर करेंगे 31p और बटा कितना हो जाएगा, 400। 100 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 400 बराबर आपका 61.50 आ गया। पूरी बातें समझ में आ रही है ना, क्या पूरी बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 400 में 100 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, फिर 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32p और माइनस अब इस 400 में 400 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा तो वहां आप ऊपर गुणा करोगे एक से, 31p हो गया और कितना हो जाएगा, 61.50। 32p में से 31p गया तो p बटा कितना हो गया, 400 हो गया और बराबर कितना हो जाएगा, 61.50, ठीक है ना। इसका भैया जब आप गुणा करोगे तो आपका जो मूलधन निकल के आएगा, मूलधन कितना निकल के आएगा, आप इसमें गुणा कर देना 61.50 में, अगर आप 400 से गुणा करते तो आपका करेक्ट इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें गुणा करके देखिएगा, 3 0 हो गया, 5 × 20 का 0 2 बचा, 4 × 1 = 4, 5 × 6 हो गया, 6 × 4 = 24, ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव, तो आपका कितना हो जाएगा, 24,600। 24,600 आपका यहाँ पर 24,600 पहला ऑप्शन आपका ए वाला राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें भैया आपका है, ए वाला राइट आंसर है। तो ये पहला ब्याज निकाल लेना और दूसरा ब्याज इसका डिफरेंस था 61.50, ठीक है ना। इस तरीके से आप हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये 16वां प्रश्न था, 16वें के बाद हम चलते हैं 17वें प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17वां देखें, 17वां क्या कह रहा है, चलिए आइए 17वें प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न भैया लगाएं, 17वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, प्रश्न ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, विशाल ने 150 रुपए 4 वर्ष के लिए संदीप को तथा 600 रुपए 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिए, कुल ब्याज दर 90 रुपया है, तो यहां पर ब्याज दर बताना है कि ब्याज दर क्या होगा, ठीक है ना। विशाल है, दो लोगों को दे रहा है, एक तो संदीप को दे रहा है, एक दीपक को दे रहा है। पहला जो धनराशि 150 रुपए 4 वर्ष के लिए संदीप को दिया और जो 600 रुपए 2 वर्ष के लिए दीपक को देता है और कुल ब्याज दर 90 होता है, तो इसमें आपको ब्याज दर बताना है, कुल ब्याज 90 रुपया होता है तो ब्याज दर बताना है, ब्याज दर कितना होगा। ऑप्शन आपका 2%, 3%, 5%, 8%, इसमें से क्या होगा, बोलते जाइए आंसर क्या होगा और लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है ना, तभी पूरी चीज आपको समझ में आएगा। देखो अच्छा, संदीप को 150 रुपए देता है, संदीप को 150 रुपए देता है 4 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 4 वर्ष के लिए ब्याज दर नहीं मालूम है तो आर मान लो, बटा कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना, एकदम आराम से बहुत आसान है। अब इसके बाद एक किसको दे रहा है, दीपक को 600 रुपया दिया दे रहा है ना, 600 रुपया दे रहा है और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर ब्याज दर भी क्या है, सेम है, आर मानना और बटा 100, और टोटल ब्याज कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 90 रुपया हो जा रहा है, तो 90 लिख लेना बस, इसके बाद आप हल कर लो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 3%, 2%, 5%, 8% क्या आएगा, तो इसको हल कर लेना, बहुत आसान है। तो यहाँ से देखोगे, एक मिनट, 15 30 45 64 60, यहाँ पर 600 हो जाएगा इसका जब गुणा करोगे, ठीक है ना, इन दोनों का गुणा किए तो 00 से कटा तो कितना हो गया, 6R हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 00 से कटा, 6 × 12R हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर भैया आपका 90 हो गया, तो यहाँ पर इसको जोड़ोगे भैया आपका 18R हो जाएगा और 90 हो गया, 18 × 18 = 18, 18 × 25 = 90, तो R बराबर आपका बिल्कुल 5% होगा, ठीक है ना। तो एकदम करेक्ट भैया आपका इसमें आंसर है, 5% करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो देखो ये पहले से ब्याज लेगा, दूसरे से ब्याज लेगा, टोटल इतना ब्याज हो जा रहा है, ब्याज दर आपको आर मान लेना था, फिर आपको हल कर लेना था, ठीक है ना।
बिल्कुल है सही, राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलिए भैया प्रश्न नंबर हम 17वां हो गया, 18वें पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18वें पे चलते हैं। हाँ देखिए 18वां प्रश्न देखते जाएं, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल लगाएं इसको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाएं भैया, ठीक है ना। जिस प्रश्न में कोई भी आपको दिक्कत होता है, वीडियो जैसे आपका खत्म होता है लास्ट में, तो उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आपको प्रश्न नहीं आया, ठीक है ना। और पूरा मेहनत ईमानदारी के साथ पूरा एक एक चीजों को हम देखते चलें और पढ़ते चलें, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18वां बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुना होता है ब्याज दर। अरे भैया बहुत गजब प्रश्न है, बहुत आसान है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, लगाते रहें इसको, बताइए कितना है आंसर। आइए देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। टाइम आपका कितना दे रहा है, 6 वर्ष दे रहा है, ठीक है ना। टाइम कितना दे रहा है, 6 वर्ष में। धनराशि पी मानो ये कितना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है। अब यहां से बताओ ब्याज क्या आया, तो यहां से आप बता सकते हो कि भाई साहब ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 2p में से p घटाओगे p आ जाएगा ब्याज। ब्याज दर बताना था, फिर वही सिंपल वाला फार्मूला यूज कर देना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, पी है, और दर क्या है आपका निकालना है, और टाइम आपका कितना दिया था, 6/100। बस इसको आप हल कर लो, बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 × 3 = 6 और यहाँ पर 50 हो जाएगा। जब 50 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आर हो गया, 50 में जब 3 से डिवाइड करोगे तो इसमें नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18वें में नन ऑफ दीज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और देख लें, 6 वर्षों में क्या हो जाता है, दोगुना, तो मूलधन पी मानो, दोगुना हो गया तो 2p हो गया, ए मूलधन होगा और ए आपका मिश्रधन होगा, ठीक है ना। ए भैया क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा और आपका ए क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं, तो पी आ गया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन पी था, ब्याज भी पी था, और दर आर में मान लेना, और समय कितना दिया था, 6/100। यहाँ से पी कैंसिल करोगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, 50 ऊपर गया, 3 नीचे, तो इसमें बटे में आपका आंसर आ रहा है, तो इसलिए डी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्या डी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न हो गया, चलते हैं हम 19वें वाले प्रश्न पे चलते हैं और इसका आंसर बताएं कितना है आएगा, ठीक है ना। 19वें पे चले, आइए 19वें पे चलते हैं, बिल्कुल लगाते चलें और बताते चलें आंसर क्या होगा। 19वां प्रश्न देखिए, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया, टाइम आपको बताना है। क्या भैया टाइम आपको बताना है, इसमें क्या होगा, और साथ में आपका आंसर क्या क्या चीज दिया गया है। ऑप्शन आपका दिया 6 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्ष और इसके बाद 6 सही 2/3 वर्ष। क्या राइट आंसर होगा, लगाइए इसको, बढ़िया बिल्कुल प्रश्न है, लगाते चले और बताते चले आंसर क्या होगा, बोलिए। चलिए आइए देखते हैं, मेन चीज है इसमें प्रश्न की भावनाओं को आप समझते रहें, ठीक है, कहना क्या चाहता है, बस पकड़ ले गए फिर उसको आप लगा दोगे। देखिए मेरी बात समझो, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, ठीक है ना। साधारण ब्याज क्या है, जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है, मूलधन का 2/9 है, तो यहां से मूलधन नीचे भगाओगे तो आपका यहां पर क्या हो गया, ब्याज हो गया, और बटा क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया, और यहां पर 2/9, ठीक है ना। अर्थात ब्याज और मूलधन का कितना हो गया, 2/9। तो कहने का मतलब 2/9 मतलब ए 9 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और 2 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज, ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। मेरी बात समझना, सिंपल वाला फार्मूला यूज करना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 9 है, दर क्या मान लेना, आर मान लेना। मेरी बात समझना, दर प्रतिशत दोगुनी है,
ठीक है ना। वर्षों की संख्या, यहां से प्रश्न ध्यान से समझिएगा, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी है, ठीक है ना। अर्थात जो टाइम है यहां पर, जो टाइम आएगा वो दर प्रतिशत की दुगुनी होगा, ठीक है ना। बातों को समझ गए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बटा सौ कर लेना। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सौ, मेन चीज आपको समझना था यहां पर। और आपसे क्या पूछ रहा था, तो यहां पर पूछ रहा था धन के, सॉरी क्या कह रहा है, धन कितने समय के लिए दिया गया, टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए यहां से देखिए, दो से दो कैंसिल हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया, और यहां पर कितना होगा, सौ ऊपर जाएगा, तो 100 बटा भैया यहां पर आपका 9 हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर r r का मल्टीप्लाई होगा, r स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग हटाओगे, इधर वर्गमूल 10 का कितना हो जाएगा, सॉरी 100 का कितना हो जाएगा 10, और 9 का कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। टाइम पूछ रहा है, दर हमें पता चल गया 10 बटा 3, ठीक है ना। तो टाइम देखो, टाइम क्या दिया था, 2r दिया था ना, टाइम कितना दिया था, 2r। यहां पर ध्यान से देखें, टाइम पूछ रहा है, तो r बराबर इतना, तो 2r दो से दोनों तरफ गुणा कर दो, ठीक है ना। दो से दोनों तरफ गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 बटा 3, a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। 2r मतलब ए टाइम हो जाएगा, 2r ए टाइम हो गया, बस इसको आप हल कर लेना, ठीक है ना। यहां पर करोगे भैया, दो से गुणा करना है, एक मिनट देखो मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर कितना हो जाएगा, 10 बटा 9 आया, 10 बटा 3 आया था r बराबर, ठीक है ना, 10 बटा 3 आया था। अब यहां पर आपको बताना है 2r, तो r बराबर 10 बटा 3, टाइम आपसे पूछ रहा है क्या, टाइम पूछ रहा है 2r बराबर, 2r बराबर क्या होगा, तो यहां से 2 से इसमें भी गुणा करिएगा, 2 से इसमें भी गुणा करो, तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और बटा 3, ठीक है। तो यहां पर 2r क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, टाइम है, ठीक है ना। 2R क्या है, टाइम है, अर्थात दर का दोगुना क्या है, टाइम है। यहाँ पर 20 में जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देख लो डायरेक्ट, 3 छक 18 और कितना हो जाएगा, 2 20 और 3, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सही 2 बटा 3, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा डी वाला, ठीक है ना। करेक्ट आंसर भैया इसमें क्या होगा, डी वाला राइट, 6 सही 2 बटा 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 19वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मेहनत करते चलें और पढ़ते चलें आराम से, ठीक है। और प्रश्न की भावनाओं को आप साथ में समझते चलें कि क्या कहना चाहता है। चलो 19वां हो गया भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें पे, क्वेश्चन नंबर 20वें पे आइए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20वें का आंसर क्या होगा। देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए का 4 वर्षों का मिश्रधन 2016 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो मिश्रधन आपको बताना, इसमें मिश्रधन क्या होगा, मेरी बात समझना, जो प्रिंसिपल दिया है यहां पर मूलधन कितना दिया गया है, 1200, और टाइम कितना दे रहा है, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4 वर्षों में 2016 हो जा रहा है, 2016, मेरी बात समझना, ए अमाउंट दे रहा है, ठीक है ना, 4 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 2016, ठीक है ना। तो भैया पूरी बातें समझें, यहां पर ए जो आपका दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, मूलधन दिया, और कह रहा है 3 वर्षों बाद 4 वर्षों बाद धनराशि इतना हो जाता है, तो वह आपका एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। बातों को फिर से ध्यान से समझे, इसमें क्या कह रहा है, मूलधन 1200, टाइम 4 वर्ष, और अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2016। तो मेरी बात समझो, यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि यहां से क्या निकाल लूं, ब्याज निकाल लूं, क्योंकि ये आपका मिश्रधन दिया गया, मिश्रधन में से मूलधन घटाएं तो क्या हो जाएगा आपका ब्याज, तो 2016 में से, 2016 में से अगर हम 1200 घटाते हैं तो यहां पर आपका 6 हो गया, 1 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो 816 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, 816 क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, 816 आपका एक क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब यहां से ब्याज दर निकाल लें, ब्याज दर निकाल लें, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। यहां पर तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, बहुत आसान है, वही फार्मूला यूज कर दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है ना।
गुणे दर निकाल लो, और यहाँ पर समय कितना दिया है 4 वर्ष का, और बटा 100। यहाँ से जब इसको हल करोगे भैया तो यहाँ से 00 से कट गया, 2 × 6 = 12 हो गया, फिर यहाँ पर कितना होगा 2 × 4 = 0, 2 × 8 = 16, फिर यहाँ से 6 से देखो 6 × 36 = 36 हो गया, 6 × 36, और यहाँ पर आपका बचा 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 17 हो जाएगा, बिल्कुल जो दर आपका निकल के आएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना, दर आपका 17% होगा। बातों को ध्यान से समझना, काट पीट लेना अपने अनुसार, तो दर भैया आपका यहाँ पर 17% हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि ब्याज दर 1% अधिक हो जाए तो मिश्रधन क्या होगा, ठीक है ना। ब्याज दर 17 था, अब 1% अधिक हो जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18% होगा, बोलो सही है ना, 18% होगा, हो गया। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, अब मेरी बात समझना, अब यहाँ से ब्याज निकाल लो, ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो हम ब्याज यहाँ से निकाल लेते हैं, ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन कितना था 1200 दिया, ठीक है ना, और दर यहाँ पर कितना है 18%, टाइम कितना दिया था 4 वर्ष के लिए, ठीक है, बटा 100, यहाँ से आप ब्याज निकाल लो, तो यहाँ से एक कटा, ठीक है ना, तो 12 × 24 = 36 × 12 = 48 हो गया, 48 का गुणा आप 18 में करना, 48 × 18 तो 8 × 64 का 4 बटा और 6 हो गया ना, 8 × 32 = 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है ना, 32 और 6 = 38 हो जाएगा, 8 हो गया और 4 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो गया, 8 × 8 = 16 का 6 एक बचा, 4 × 3 = 7 = 1 = 8 हो गया, 864 हो गया, 864 हो गया, ये आपका ब्याज निकल के आया। तो मिश्रधन आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। अच्छा, एक कब का ब्याज निकल के आएगा, क्या बता पाओगे, एक कब का ब्याज निकल के आया, जब ब्याज दर 1% अधिक हो जाता है, 17 निकला था, 1% अधिक हो गया तो ब्याज दर 18% हो गया, तो यहाँ से ब्याज हम निकालेंगे आपका 864 हो गया, तो यहाँ से मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन आप जानते हो कि मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, आपका क्या आ जाता है मिश्रधन, तो यहाँ से 1200 हो गया और इसमें 800 कितना हो गया 64 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 × 2 = 10, 0 × 1 = 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, 20 × 64 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भैया सी वाला करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि पूरी बातें आपने समझ लिया, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 21वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां देखते जाएं, क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। पढ़ें बिल्कुल प्रश्न को, बिल्कुल आराम से पढ़ें, और सबसे पहले प्रश्न की भावनाओं को आप समझें, ठीक है, कहना क्या चाहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21वें पे आते हैं, आइए देखते हैं 21वां क्या कह रहा है, भैया ध्यान से समझिएगा। विनोद ने ब्याज की समान दर पर, ठीक है ना, ब्याज की समान दर पर, दर क्या है समान है, विनोद ने ब्याज की समान दर पर 16,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए तथा 11,000 रुपए पर 4 वर्ष के लिए उधार दिए, यदि उसे कुल ब्याज कितना है 11,500 है मिल रहे हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, ब्याज की वार्षिक दर भैया बताना है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए, इसमें क्या होगा, ठीक है, लगाइए पहले, ठीक है, बोलते जाइए इसमें आंसर क्या होगा भैया, 12% 13% की 15% की 12 सही 1/2%, ठीक है ना, तो लगाइएगा इसका आंसर, देते रहिए। चलिए मैं बताता हूं, विनोद ने ब्याज की दर, ब्याज की समान दर पर, ठीक है ना, ब्याज की समान दर पर एक कितना है धनराशि 16,000 है, इस पर 3 वर्ष के लिए, दर आर मान लो,
इस पर समान दर कह रहा है, ठीक है दोनों के लिए, मतलब 16,000 रुपए के लिए दर आर होगा मान लें, और 11,000 रुपए पर भी दर आर मान लें, क्योंकि यहां पर शुरू में कह रहा था कि विनोद ने ब्याज की समान दर पर, ठीक है ना, दोनों स्थितियों में दर क्या है समान, तो हम दर आर मान लेते हैं। टाइम 16,000 के लिए 3 दिया है ना, तो इस स्थिति में ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, फिर प्लस यहां पर भी लागू करेंगे तो यहां पर कितना है 11,000, कितना है 11,000 है, इस पर कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए दर क्या माने हम आर मान ले और बटा 100, ठीक है ना, और यहां पर उसको टोटल कुल अंत में ब्याज कितना मिल रहा है 11,500 मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें बताइए क्या होगा आंसर, मिलने वाला दर आपका बताना है, दर क्या होगा कितना परसेंट होगा, तो देखिए देखिए भैया 00 से 00 कटा, 00 से 00 कटा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16 * 48, ठीक है ना, 480 हो गया, आर हो गया, फिर प्लस कितना हो गया भैया 11 * 4 कितना हो गया 44 हो गया और आर हो गया, बराबर कितना हो गया 11 और 500 है, ठीक है ना। यहां से जब हम इसको हल करेंगे 11 * 4 = 44, 10 यहां पर होगा भैया, ठीक है ना, इसको जब ऐड करो तो कितना हो जाएगा 0 हो गया, 8 * 4 = 12, 1 * 4 = 4, 8 * 1 = 9 हो जाएगा 920 हो जाएगा, ठीक है ना, 480 और प्लस कितना है 440, इसको जोड़ेंगे 0, 8 * 4 = 12, 1 * 4 = 4, 8 * 1 कितना हो गया 920 हो गया और आर हो गया यहाँ पर 11 और 500 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आर बराबर आपका 1150 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 92, ठीक है ना, पूरी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या करें 1150 में 92 से डिवाइड करें, 1150 में अगर 92 से डिवाइड करेंगे एक बार गया तो यहाँ पर आपका 92 हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3 हो गया, तो आगे यहाँ पर कितना होगा 9, 10, 11 2 हो जाएगा यहाँ पर 0। अब कितनी बार ले जाओ 2 बार ले जाओ, तो 2 * 4 हो गया और 9 * 2 = 18 हो गया, ठीक है ना। इसको भैया जब हल करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 8 * 4 = 12 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 46 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 46 हो जाएगा, तो 12 सही आपका अब नहीं जाएगा ना, तो 12 सही 46 बटा आपका कितना हो जाएगा 92, तो 46 * 46 = 92 तो 12 सही 1/2 आपका दर निकल के आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। जब इसमें आप डिवाइड करें तो आपका कुछ इस तरीके से होगा, भागोफल जाएगा, तो 12 सही 46/92 हो गया, 46 * 46 = 92 तो 12 सही 1/2 परसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें भैया आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। तो प्रश्न की भावनाओं को मेन चीज समझते चलिएगा, ठीक है ना, कहना क्या चाहता है उसका मतलब आप समझें। तो चलिए इसी के साथ आपको 2 प्रश्न और दिया जाता है, ये 2 प्रश्न आप लगा के इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। 21वां तो कंप्लीट हो गया, 22वां आपको दिया जा रहा है, फिर 23वां, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23, ठीक है ना। इसी के साथ साथियों हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, ठीक है, और जितने भी मित्र साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, कैसा लगा, ठीक है ना, पूरी क्लास आपको कैसा लगा आप पूरा कमेंट में बताइए, ठीक है ना। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, साथ में जितने भी मित्र साथी हमारे साथ जुड़े रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।